गढ़मुक्तेश्वर के इस प्राचीन खादर मेले में आस्था का जो ये जन जुड़ाव है और आस्था का जो ये जन सैलाब जो चारों तरफ नजर आ रहा है, ये सदियों पुरानी भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। गढ़मुक्तेश्वर के अंदर ये मेन जो गढ़ शहर है, कस्बा, जो गढ़ कस्बा है, उससे लगभग 6 किलोमीटर गंगा घाट की तरफ चलते हुए ये मेला यहाँ पर आयोजित होता है। दूसरा, यहाँ पर सबसे बड़ा गढ़मुक्तेश्वर में जो सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था का जो हमारा केंद्र है, वो ब्रजघाट है, और उसके ठीक 7 किलोमीटर आगे पुष्पावती पूट है। इन सभी स्थानों का, धार्मिक स्थानों का महत्व, प्राचीन नक्का कुआ का, प्राचीन गंगा जो मंदिर है, उन सब का महत्व वो बड़ा ही ऐतिहासिक है। गढ़मुक्तेश्वर में ऐतिहासिक गंगा मंदिर, नक्का कुआ, बारादरी सहित सैकड़ों की संख्या में मंदिर हैं। जानकार लोग बताते हैं कि कभी गंगा नदी गढ़ में गंगा मंदिर की पौड़ियों को छूकर बहती थी, लेकिन आज उसकी धारा लगभग 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर खिसक गई है। इस पूरे क्षेत्र का जुड़ाव और संबंध महाभारत काल से है। हस्तिनापुर उत्तर दिशा में यहाँ से मात्र 16 किलोमीटर दूर स्थित है। बताया जाता है कि गंगा के इस ओर पितामह भीष्म की तप और साधना की स्थली थी, और गंगा के पार बिजनौर क्षेत्र में महात्मा विदुर का आश्रम था। महाभारत के समय जितने लोग वहाँ शहीद हो गए थे कुरुक्षेत्र लड़ाई में, तो उनके जो परिवार के लोग बचे हुए थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर दीप दान करते हैं। ये एक पितृपक्ष का रूप कहलाता है कि यहाँ उनको एक पितृपक्ष में दीप दान करके उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है, सदगति हो जाती है, और ये अनुभव करते हैं हमने अपने पितरों का स्मरण करके अपने जीवन को उनके अच्छे कर्मों से जोड़ लिया है। और वो एक दीप परंपरा कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ जाना है, हमें भी जैसे कहते हैं कि दीप से दीप जलाओ, वो हमारे माता पिता एक दीपक थे, उनके बाद हमारी परंपरा, फिर हमारे बाद हमारे बच्चों की परंपरा, वो एक दीपक की लय में, एक श्रृंखला में जुड़े, तो उसी भाव को स्मरण करके हमें अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और उनका स्मरण करते हैं। वो चतुर्दशी के दिन पूर्णिमा से पहली रात्रि को किया जाता है, और सभी लोग, प्राय पूरे क्षेत्र के लोग तो एक वर्ष में, मान लिया कि यदि आज से किसी परिवार में कोई मृत्यु होती है तो अगले कार्तिक स्नान से पहली रात्रि तक लोग उसको संजो करके रखते हैं, और फिर एक साल का जो भी इस तरह का धार्मिक कृत्य है उसे करके अपने आप को वो तृप्ति का अनुभव करते हैं। ऐसी यहाँ की परंपरा है। कार्तिक अमावस दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णमासी का पर्व आता है। इस दिन का भारतीय हिंदू धर्म संस्कृति में बड़ा महत्व है। गंगा सहित सभी प्रमुख नदी के तटों पर लोग स्नान करते हैं। गंगा के किनारे मेरठ के मखदूमपुर, अमरोहा के तिगरी घाट, हापुड़ के गढ़ब्रज घाट, बुलंदशहर के आहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित बिहार तक के प्रमुख घाटों पर नाहन तथा मेले का आयोजन होता है। लेकिन इस पर्व का सबसे बड़ा संबंध गढ़मुक्तेश्वर के साथ है। यहाँ की मान्यता बड़ी है, जिसका सीधा संबंध मोक्ष और तर्पण से है। ऐसी मान्यता है कि यह गणों की मुक्ति का स्थान है। इन मेलों की एक पिरामिडिकल संरचना रही है। मेलों में शीर्ष पर कुंभ के मेले और नीचे अनगिनत मेलों की असंख्य श्रृंखला। गढ़मुक्तेश्वर का मेला यानी नाहन का मेला इस लिहाज से बड़ा ही व्यापक मेला है, जहां लाखों लाख श्रद्धालु जुटते हैं, और कुछ मान्यताओं में तो इसे कुंभ में लगने वाले मेले के बाद सबसे बड़े मेले के रूप में स्वीकार्यता भी हासिल है। यहां कार्तिक पूर्णिमा का मेला बहुत बड़े रूप से मनाया जाता है, और इतना बड़ा मेला मैं समझता हूं कि इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई नहीं होता, या तो हरिद्वार में या फिर इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है, तो ये भी इसी तरह का लाखों की संख्या में
25 और 40 लाख के बीच में लोग हर वर्ष यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। बहुत दिनों से ही मेलो जुड़ रहे हुए हैं हम लोग सब किसान आदमी, अपने अपने घर 14 साल दिन दीप जलाए, पूर्णमासी को स्नान करें और वापस चले जाते हैं। दीपावली से 4-5 दिन बाद किसान परिवार अपने भैंसा बुग्गी व ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जरूरी सामान के साथ परिवार को साथ लेकर गढ़ के लिए चलना शुरू कर देते हैं। नाहन के 10 दिन पूर्व से लोग गंगा के किनारे खादर में परिवार के साथ पड़ाव डाल लेते हैं। कुछ परिवार तो देव उठान की रस्म भी यहीं करते हैं। गढ़ गंगा का मेला है, ये कार्तिक मास में होता है और हमारे हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। सब हिंदू इसके लिए पूरे साल इंतजार करते हैं कि कब मेला होगा, कब हम गंगा माई में जाके अपना दीप दान करेंगे। अब से 95 साल पहले की बातें सोचें कि उस समय ना कोई लाइट थी, ना कोई और व्यवस्थाएं थी, लोग बाग बड़े धीमे धीमे तरीके से बड़े बड़े छोटी छोटी व्यवस्थाओं के साथ इस मेले का आयोजन करते थे। उस समय केवल जो लालटेन होती हैं उनसे ही इस मेले की व्यवस्थाएँ की जाती रहीं। इसके बाद धीरे धीरे समय बदला और स्थान पेट्रोमैक्स ने लिया, पेट्रोमैक्स के बाद जिला पंचायत ने और व्यवस्थाओं को सुधारा। दुनिया तेजी से बदली पर नहीं बदला तो मेलों के प्रति लगाव, बल्कि दिन प्रतिदिन मेलों में लोगों की रुचि तथा आकर्षण बढ़ता रहा है। उत्तर भारत की लोक संस्कृति के जितने रस रंग और रूप हैं वो इस मेले के अंदर आपको सर्वत्र दिखाई देते हैं। लोग अपने मनोरंजन के लिए अपने अपने तरीके से अपना यहाँ पर आनंद की प्राप्ति करते हैं। नाच गाने, गीत संगीत, लोक संगीत, वो आपको यहाँ पर अलग अलग जगह दिखाई देगा। भैंसा बुग्गी की दौड़ प्रतियोगिता है वो भी होती है, दंगलों का आयोजन होता है, लोक गायकी रागनियों के यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं, कृषि प्रदर्शनी यहाँ पर लगती है, कृषि मेला लगता है, पशुओं की उन्नत नस्लें कैसे तैयार हों उसके लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम रखे जाते हैं। साथ ही साथ समाज का हर वर्ग जो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं कार्यरत है, वो अपनी जो उसकी कार्य कुशलता और कार्य विशेषता है, विशेषताएं हैं, उनका यहाँ पर वो प्रचार और प्रसार करते हैं। मेले के आयोजन के उद्देश्यों में जीवन के ऊर्जा पुंज को घनीभूत कर लेना है। इसमें मनोरंजन का उतना ही महत्व है जितनी अहमियत अर्थव्यवस्था के फूलने फलने की है। इस मेले के दौरान अमूल्य शांति मिलती है तो करोड़ों का कारोबार भी होता है। इस बार हापुड़ जिला पंचायत ने और शासन और प्रशासन की मदद से जो मेले का स्वरूप चेंज करने के प्रयास बहुत लंबे समय से कर रहे थे उसमें काफ़ी हद तक सफल हुआ है और ये उसका आंकड़े भी जो प्रिंट मीडिया और बाकी मीडिया चैनल से दिखाए जा रहे हैं कि 50 करोड़ से अधिक का व्यापार इस बार मेले में हुआ है। मेले की व्यापकता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में सिर्फ स्थानीय श्रद्धालु ही नहीं होते बल्कि भारत भर से आए श्रद्धालुओं के अलावा विश्व भर से भी आध्यात्मिक पर्यटक आते हैं। It's been eye-opening. I think I'm learning about spirituality more and the people of India's culture. And they take it very seriously. And yeah, it's been a great experience so far. मगर इतनी व्यापकता के बावजूद इस मेले को राजकीय मेले का दर्जा पाने में थका देने वाला इंतजार करना पड़ा। आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार ने इसके महत्व को समझा और यह मेला राजकीय समारोहों का हिस्सा बन गया। इस बार सबसे अच्छी बात है इस मेला के लिए कि बहुत पुराना डिमांड यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों का रहा है कि मेला को राजकीय घोषित किया जाए, तो इस मेले को इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजकीय घोषित किया है और इसके लिए फंड्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। इस बार के मेले में प्रशासन ने अलग अलग थीम पर अलग अलग सांस्कृतिक गतिविधियां और परिचर्चाएं आयोजित की थी। यह पहल अब तक की गई पहल से भिन्न और विशिष्ट थी। और शाश्वत प्रेम परिभाषित हो तो समर्थन करना रुचि का, बोले कब तक आखिर कब तक तू यूं ही दौड़ दौड़ के मेरे खारे पानी में गिरती रहेगी। नदी ने जवाब दिया, तब तक जब तक तुझमें मिठास न पैदा हो जाए। बहुत अच्छा है।
आसपास के गांव से आने वाले लोग होते हैं जिनका जो बड़े बड़े शहरों में जाके कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं कर पाते, उन्हें गंगा के तट पर ही सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रथम बार आयोजित किए गए, जिसमें हम लोगों ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, प्राइवेट लोगों से सहयोग लेकर के स्पॉन्सर करा के बड़े स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। उसे पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट प्रस्तुति दी गई उसमें, ताकि सभी लोग उसका समान रूप से आनंद ले पाए। सभी कार्यक्रम धार्मिक भी किए गए। यह पहल अब तक की गई पहल से भिन्न और विशिष्ट थी। प्रशासन की तरफ से सेल्फी पॉइंट का भी निर्माण किया गया था, जहां से तस्वीर लेते वक्त मेले की धड़कन किसी भी तस्वीर में अपने पूरे रंग के साथ धड़क सके और यादों को एक अलग आकाश मिल सके। मेले के आयोजन में संसाधनों की बड़ी कमी थी, लेकिन यह कमी प्रशासनिक कुशलता, जिला पंचायत हापुड़ और सामाजिक सहयोग के सामने बेअसर रही और मेले का आयोजन अपनी भव्यता की छटा में संपन्न हुआ। राजकीय समारोहों का दर्जा हासिल कर चुके इस मेले में केंद्र सरकार का नमामि गंगे अभियान भी श्रद्धालुओं की चेतना का एक अहम हिस्सा है। गंगा की पवित्रता के बीच अब श्रद्धालुओं के भीतर गंगा की स्वच्छता को लेकर चेतना भी अपनी करवटें बदल रही है। कार्तिक मास का जो ये पूर्णिमा का मेला यहाँ गढ़ मुक्तेश्वर में लगता है, इसके लिए नमामि गंगे ने पहली बार इस मेले में ये प्रदर्शनी लगाई है और लोगों को जागरूक करने के पर्पस से ही इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। नए प्रयोगों के साथ अब के इसे गढ़ मुक्तेश्वर मेला 2017 गंगा महोत्सव का नाम दिया। भीड़ भी अच्छी जुटी, प्रबंधन भी बेहतर हुआ तो श्रद्धालुओं को सुविधाएं भी बढ़ी। अपने पुरखों और पितरों को मुक्ति देने वाली गंगा की पवित्र धारा और गंगा तट की पवित्र रेती इंतजार कर रही है कि आखिर कब वह आध्यात्मिक आस्था के साथ संस्कृति व पर्यटन का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनकर विश्व पटल पर आ सकेगा और अपनी उस पहचान को प्राप्त कर सकेगा जिसका वह वास्तव में हकदार है। नमन हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे बारंबार नमन, पावन पुण्य प्रदायिनी मां करता सारा संसार नमन। मोक्ष उसे मिल जाता है जो मुख से गंगा नाम जपे, गढ़ के पावन तट बहती गंगा की निर्मल धार नमन। हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे बारंबार नमन, गंगा बारंबार नमन, गंगा बारंबार नमन।